आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपकी 6 अगस्त की शिफ्ट 1 है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट है आपकी। ये जो हमने नया एक टारगेट रखा है उसके अंदर में आपको 43 शिफ्ट्स हुई थी 2017 में एसएससी सीजीएल की, तो वो करा रहा हूँ 1 बाय 1। ये आपका अभी मैं 5 अगस्त की मॉर्निंग और इवनिंग की करा चुका हूँ, अब आपकी 6 अगस्त की मॉर्निंग की है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस वाली इसमें मैं बता दूं आपको, इस वाली शिफ्ट में काफ़ी चेंजेस आए थे। मतलब 5 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो पैटर्न रहा था, 6 में काफ़ी चेंजेस हो गए थे। अभी धीरे धीरे आपको प्रूव करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप एक बार सीक्वेंस में देखते हुए आइए ताकि आप रियल टाइम में कर पाएँ कि क्या आप एक्चुअल में अगर एग्जाम होगा, क्योंकि आप अगर ये 43 सेट्स कर लेंगे तो आपके प्री में 50 out of 50 आ जाएंगे मेरे हिसाब से। लेकिन ये है कि रटना नहीं है, समझना है, अच्छे से समझना है क्या हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट गो में करने वाला है, कौन सा नहीं है, इस तरीके से समझते जाना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन 7251 इज डिवाइडेड बाय 66। इसने बोला है कि अगर मान लो 7251 को आप डिवाइड करते हो 66 से, तो क्वेश्चन क्या आता है। देखो, अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मेरा डिविडेंड होता है, ये मेरा डिविजर होता है, ये मेरा क्वेश्चन होता है, और फिर जो बचता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो और आपको ये चीज़ भी मालूम होगी कि जो मेरा डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। खैर, इसमें ये सब चीज़ें यूज़ नहीं है, इसमें सीधा सीधा इसने क्वेश्चन पूछा है। हमारी एक नज़र ऑप्शन पे रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हम कर पाएँ। अब देखो, जैसे ही आपने 66 वनजा किए हैं, यहाँ पे मैं सिंपल बच्चों की तरह जैसे करते हैं वैसे ही करूँगा, पेपर में भी ऐसे ही करूँगा। तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा। देखो, 2 और 5 66 से छोटा है ना, तो 25 से तो जाएगा नहीं, एक और उतारना पड़ेगा, 1 भी उतारना पड़ेगा, तो 10 आएगा। तो जैसे इतना सा देखते ही आपने देख लिया कि 109 वाला एक ही है, क्योंकि 1 के बाद 0 आएगा, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, आसिफ इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बशीर एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज विल आसिफ अलोन फिनिश द वर्क। देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो, जो आसिफ है, मान लो आसिफ है, वो जो बशीर है ना उससे 2 गुना अच्छा काम करता है, मतलब 2 गुना ज़्यादा काम करता है, ऑब्वियस बात है। मान लो, तो मान लो बशीर है हमारा, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए एफिशिएंसी है आसिफ की, एफिशिएंसी का मतलब होता है आप कितनी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, सिंपल भाषा में ऐसे समझो, एक दिन में कितना काम कर रहे हो वो उसकी एफिशिएंसी, और बी आपकी बशीर की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो आसिफ है वो ट्वाइस एज गुड एज बशीर, तो ये आपको पता चल गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को ए और बी का रेशियो निकालना है 2 और 1, मतलब अगर बशीर 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में तो आसिफ 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है, और ये दोनों मिलके 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसका मतलब एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। तो 30 डेज में कितना करेंगे, 3 into 30 units, मतलब 90 units, ठीक है। और इसने अब पूछा है, किसी का भी पूछ सकता है, इसने आसिफ का पूछा है, तो टोटल वर्क डन आपको मिल गया कि 90 यूनिट्स है। तो आसिफ का पूछा है, आसिफ एक दिन में 2 यूनिट्स करता है, तो 90/2 मतलब 45 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा। और अगर मुझसे बशीर का पूछता तो 90/1 मतलब 90 दिन में काम कंप्लीट करता बशीर, लेकिन मेरे से किसका पूछा है, आसिफ का पूछा है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, हम कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में मान लो मैंने बशीर का निकाल दिया तो आप 90 मार्क करके आ जाओगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। अभी तक दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे और बहुत सिंपली बहुत जल्दी जल्दी हो सकते थे। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, क्वेश्चन समझ लो पहले। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स डायगनल इज 25 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 24 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन है आपका। सुबह ही मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया, ज्योमेट्री का 23rd पार्ट पढ़ाया आपको, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री हमारी जो चल रही है वो चलती रहेगी, वो चल रही है, आपकी 23rd क्लास आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताया तुम्हें आपकी, ये रेक्टेंगल है,
और एक चीज याद रखिए, अभी हमने जो चैनल है वो बदला है, मतलब नए चैनल लॉन्च किया है हमने, तो जितनी भी पुरानी मैथ्स की वीडियोस हैं वो धीरे धीरे मैं नए चैनल पे अपलोड करता जा रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़े से दिन में, अपकमिंग मतलब 7-8 डेज में सारी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया निकालना है, डायगनल दे रखा है 25। सबसे पहली बात, डायगनल जो रेक्टेंगल के होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई है, एक घंटे मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया है, वो देख लेना अच्छे से। और कोई एक साइड 24 है, मान लो ये साइड 24, ठीक है? तो आपको मालूम है कि जो डायगनल होता है उसमें सारे एंगल 90 होते हैं, तो ये भी 90। और आपको ट्रिपलेट पता है, 25, 24 और 7 का ट्रिपलेट होता है। मान लीजिए नहीं याद, तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना, 25² = 24² + x², तो आप निकालोगे तब भी 7 आएगा। वैसे आपको याद होनी चाहिए, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्पीड में भी काम करना आना चाहिए, मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस जैसे ही आपने अब लेंथ 24 है, ब्रेथ आपकी 7 है, तो 7 24 7, अगर आप 24 7 नहीं भी करना चाहते तो 7 4 28, लास्ट में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन है, खत्म, ठीक है? मैंने ऑप्शन अपने आप से सुनाया है, आपको पता है बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर है ये जो आपका आया था। आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं प्रॉफिट एंड लॉस करता हूँ, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ। अभी आपको सिंपल मतलब 100% बांट के आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मेरा बहुत अलग तरीका होता है प्रॉफिट लॉस करने का, और मतलब ये लगा लो कि इतना शानदार तरीका रहता है कि मैं आपको जब भी बताऊँगा तो आप हैरान हो जाओगे, अगर बताएंगे कभी तो। अब देखिए, अब क्वेश्चन समझिए पहले। अ शॉपकीपर मार्कअप हिज वेयर्स बाय 60% एंड ऑफर्स 25% डिस्काउंट। मतलब जो मार्कअप है वो कितने परसेंट है? 25% है, और आपको डिस्काउंट दे रखा है, सॉरी गलत बोल दिया, मार्कअप आपका है 60% का, ओके, एंड डिस्काउंट आपका दे रखा है 25%, और आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, और आपको सीपी भी दे रखा है 1600। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका सीपी है, उसके ऊपर मान लो सीपी 100 रुपये, ठीक है? सीपी के ऊपर मार्कअप करते हैं हमेशा। मार्कअप का मतलब है कि मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ आपको पड़ रही है, और आपने इस पर एक चेप भी चिपका दी, और या फिर स्टिकर चिपका दिया जिस पे आपने लिखा है 150, तो मतलब MRP है वो 150, तो किस पे लगाओगे? सीपी पे ना। तो ये जितना आपने लगाया 50% का मार्कअप कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को MRP मतलब जो आपका मार्क प्राइस होता है वो कितने परसेंट कर गया? 60%, तो 160 कर दिया। अब देखिए मार्क प्राइस जो होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। मान लो जैसे आप लेने गए, कुछ सामान लेने गए, तो आपको मार्क प्राइस जो दिख रहा होता है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट इसने बोला 25% मतलब 1/4। तो अगर मैं 60 का 1/4 माइनस कर दूंगा, या फिर सीधा 3/4 कर दूंगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मतलब उतने में बेचा। मतलब एक चीज़ समझो कि अगर 1/4 डिस्काउंट दे दिया तो 3/4 में बेची ना, तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ ताकि आपको सीधा दिखे। तो ये 120 आ गया, क्या आ गया? SP 120 आ गया। अब इसने क्या पूछा है आपसे? इसने पूछा है सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब देखो सीपी मैंने कितना माना था? 100, लेकिन एक्चुअल में सीपी कितना था? 1600, तो 16 इंटू करना पड़ा था। ऐसे ही मेरा एसपी पूछा है, एसपी कितना है? 120, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 16 से, तो 120 इंटू 16 आपका आंसर आएगा, सीधा सीधा कर दो, इस 0 का 0, 16 2 32, और आपका यहाँ पे 3 1920, ये आपका आ गया, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था, अभी भी सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे देखिए, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ट्रेडिशनल या फिर आप ऑप्शन से, ठीक है? मैं आपको लेकिन बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि जो ऑप्शन होगा उसमें भी बेसिक यूज होगा ही होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, उसने बोला व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 55, मतलब आपके पास 4 नंबर है 55 और यहाँ पे 100 65 116। वो बोल रहा है कि क्या ऐड करें, मतलब 55 में क्या ऐड करें, मान लो एक्स ऐड करा, और 100 में भी, मतलब सब में क्या ऐड करें कि प्रोपोर्शन में आए, मतलब ये चीज समझ रहे हो आप, इस तरीके से आपका कुछ बनेगा, मतलब ये प्रोपोर्शन, मतलब कि देखो, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है? तो
तो आपने क्या ऐड करा? तो आप इसको इधर भेज के और इधर भेज के ट्रेडिशनली कर सकते हैं, कैसे? मतलब आपका एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरी की पूरी मतलब 55 प्लस एक्स इंटू 116 प्लस एक्स, इस तरीके से आप कर सकते हो और इस तरफ आपका इस तरीके से इधर भी आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन से कैसे करोगे? देखो ऑप्शन से क्या कर रहा हूँ मैं, 55 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे 65 प्लस एक्स अपॉन 116 प्लस एक्स। देखो आपने सबसे पहले 20 पहला ऑप्शन चेक करा, 20 तो मैंने जैसे लिखा 75 आ गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 कर दिया, यहाँ पे 20 तो नीचे आ गया 120, ऊपर आ गया यहाँ पे 20 तो यहाँ पे आ गया 85 और यहाँ पे आ गया 136। तो अब सीधा सीधा इसको काटो, कैसे कटेगा ये? यहाँ से अगर 5 1 5 25 और यहाँ पे 24 3 से काट दो, 3 5 और 8, तो LHS में अगर 5/8 आया है, अगर RHS में भी 5/8 आ जाता है, जैसे अब ये 17 से काट दो, 17 5 और 17 8 आ गया, तो ये मेरा पहला ही ऑप्शन सही आ गया। नहीं होता तो मैं दूसरा चेक करता। देखो ये मेथड मैं तभी बोलूँगा अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है, ठीक है, या फिर आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, जल्दी जल्दी देख लेते हो, तो आप ये मेथड करो। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि मतलब अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है और आप शांति प्रिय आदमी हैं तो आप इस तरीके से पूरा एक्स वैक्स करके करिए, टाइम लगभग बराबर लगेगा। मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन यूज़ कर लूँगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, सच बोलने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, मैं सीधा बोलता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप वर्बल कर सकते हैं एक सेकेंड में नहीं, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3-4 सेकेंड 5 सेकेंड लग जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करके। देखो क्वेश्चन क्या है, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 1-1 रन, मतलब 111 रन्स, 111 रन्स इन 10th मैच, 10वें मैच में उसने 111 स्कोर करा और उससे क्या हुआ कि जो एवरेज थी, मान लो पहले एवरेज ए थी, उससे एवरेज ए प्लस 5 हो गई, ठीक है, ए प्लस 5 हो गई, मतलब कि यहाँ तक 9 तक, 1 से लेके सारी 9 तक इसकी एवरेज ए थी और अब जैसे इसने 111 मैच मतलब स्कोर किया तो इसकी एवरेज कितनी बढ़ गई, इसकी एवरेज बढ़ गई 5 हर एक में 5 5 5 बढ़ा रहे हो 9 टाइम्स, तो 9 × 5 = 45। तो सीधा सीधा आंसर, अब ये पूछ रहा है कि आपका 10वीं के बाद क्या एवरेज होगी, तो 111 में से 45 माइनस करो तो सीधा 66 आंसर आ गया, ठीक है, सीधा था ये। लेकिन कई लोग इसको गलत कैसे कर देते हैं, वो 111 में से 45 की जगह 50 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका 61 कर देते हैं और ये गलत हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो ऑप्शन में भी 61 देते हैं। बहुत स्मार्ट तरीके से ऑप्शन बनाए जाते हैं ताकि आपको आपके क्वेश्चन को गलत कराया जाए और सीधा सीधा आपके 2.5 नंबर चले जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अ वेंडर बाय 6 बनाना फॉर 25 एंड सेल देम एट 3 for 20 rupees, तो प्रॉफिट कितना होगा? देखो उसने 6 बनाना खरीदे कितने में, 25 में, और बेचे कितने, 3 बेचे 20 रुपये में। लेकिन अभी तो उसके पास, देखो आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व या फिर कैलकुलेट तब कर सकते हो ना जब बराबर है। अब मैंने या तो क्या करूँगा, मैं इसको 3 बना दूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है, या फिर मैं इसको 6 बना दूँ, तो मैं अगर इस वाले को 6 बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 और 40, तो बस यहाँ पे देखो, अब देखो 6 खरीदे और 6 बेच दिए, तो इफेक्ट सिर्फ पैसे देखने हैं मुझे, 25 से 45 आ गए, मतलब 15 बढ़ गए, किस पे बढ़ गए, 15 किस पे बढ़ गए, 25 पे, ठीक है, सीधा सीधा 100 आप ऐसे कर लो और सीधा आपका आ गया यहाँ पे 60%, ठीक है। या फिर आप एक और तरीका बताता हूँ, अगर मैं 15/25 सीधा लिख रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मान लो ये तो सीधा कट ही रहा है कि 3/5, तो ये तो सीधा कट ही रहा है, आपको पता होना चाहिए कि 1/5 20 होता है और 3 से मल्टीप्लाई करते 60%। लेकिन जब ये फ्रैक्शन पे और रेशियो पे जब आपकी अच्छी कमांड होती है तो आप सीधा देख लेते हो, ये तो चलो 25 था, सीधा सीधा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, टू लेबर्स ए एंड बी आर पेड अ टोटल ऑफ 650 पर डे, दो लेबर हैं, एक ए है और एक आपकी बी है, ठीक है, दोनों को मिला के 650 रुपए दिए जाते हैं, दोनों को मिला के, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि इफ ए इज पेड 160% ऑफ व्हाट इज पेड टू बी, मतलब ए है, ए को कितने दिए जाते हैं,
160% ऑफ बी, मतलब इस तरीके से ले लो, तो आप सीधा काटो, ये आपका अगर रेशियो पे नहीं है तो मैंने इसलिए इस तरीके से करा है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, तो मतलब 8/5 कितना आ गया, ओह सॉरी 8/5 मतलब ए और बी, मतलब अगर ए को 8 मिलेंगे तो बी को 5 मिलेंगे, तो टोटल कितने मिलेंगे दोनों को मिला के, 13, 8 और 5 13 यूनिट मिलनी चाहिए, लेकिन मिल कितनी रही है 650, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 650 को सीधा सीधा काटो 50, तो एक यूनिट की 50। अब पूछा किसने है हाउ मच बी, बी बी के कितने थे 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 15 × 5 = 250। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे, अभी तक सिंपल चल रहे। हाँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। देखो, अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 7 आवर, मतलब वो क्या कर रहा है 60 किलोमीटर जा रहा है 7 घंटे में, मतलब आप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो 60/7 इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब लेकिन इसने बोला कि वो पार्टली, मतलब कुछ दूरी तो पैदल जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ दूरी बाइसिकल पे जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो डिस्टेंस जो पैदल गया है वो कितना होगा। अब देखिए, कई लोग समझते हैं इस चीज को, कई लोग नहीं समझते कि अगर मुझे दो चीजें दे रखी है और इनका कम्युलेटिव इफेक्ट, मतलब ओवरऑल इफेक्ट भी दे रखा है इन दोनों के बीच का, तो उसमें मेरा एलिगेशन लग जाता है, तो मैं आपके लिए एलिगेशन लगाता हूं। मान लो ये फुट है और यहाँ पे मेरा बाइसिकल, ठीक है ना, बाइसिकल की बात कर रहे हैं, फुट की स्पीड पे कितनी है 6 और बाइसिकल कितनी है 12, और इन दोनों का एवरेज मतलब दोनों मिला के कितना है 60/7 स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो ये लिखूंगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं इसको, अगर मैं यहाँ से 7 हटाना चाहता हूँ तो मैं हर चीज़ को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 7 हट जाएगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैंने एक तरह से एलिगेशन ही करा, लेकिन इस चीज को बदल के कैसे लिख दिया। अब यहाँ पे कितना आ गया 42, यहाँ पे 60, यहाँ पे 84। अब देखो, आप ऐसे करते हो ना, इसमें से ये माइनस करते हो तो 24 आता है, और इसमें से ये माइनस करते हो तो आपका 18 आता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब ये जो रेशियो आया ना 24 और 18, अगर मैं इसको काट दूं तो ये मेरा कितना आ रहा है 4 और 3। अब आप एक चीज समझ लो, यहाँ पे समझने वाला क्या है, समझ लो वरना गलत करोगे और कुछ फायदा नहीं है इस क्वेश्चन को समझने का। समझने वाला ये है कि जब मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, किस पे लगा रहा हूँ, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप अगर स्पीड पे लगा रहे हो ना एलिगेशन, तो जो रेशियो मिलेगा ना, ये जो रेशियो मिला 4 और 3, ये रेशियो टाइम का मिला मुझे, टाइम का, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना है 4:3, मतलब अगर टोटल मिला के 7 घंटे का ट्रैवल होना चाहिए, और हमने जो निकाला रेशियो वो भी 7 यूनिट है, तो 7 आवर्स और 7 यूनिट बराबर आ गए। इसका मतलब जो फुट पे चला, मतलब पैदल चला, वो 4 घंटे चला, और बाइसिकल पे चला 3 घंटे। अब आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है कि फुट पे कितना चला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट, तो डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम। तो आपकी स्पीड कितनी है फुट वाली 6, और ये आपका टाइम कितना है 4, तो 24 आंसर था इसका। ठीक है, बहुत तरीके हैं, लेकिन एलिगेशन से सबसे ईजी निकल जाएगा, और आप अगर एक्स वाई जेड से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर एट 12% पर एनम इज 10,176, व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। वो बोल रहा है कि आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपका 12% है, और 2 साल में सी आई कितना मिला 10,176, मतलब कि टाइम कितना दे रखा है आपका 2 ईयर्स, और देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मुझे पता है 2 ईयर मतलब सक्सेसिव लगेगा, ठीक है ना, मतलब 12 पे 12, तो 12 12 और 12 × 12/100, ठीक है, तो सीधा सीधा मुझे पता है 25.44। आप अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो सीधा लिख सकते हो, नहीं अच्छी तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 0.20 और 12 और 12, तो यही था ही, तो 24 + 1.5, मतलब एक तरह से 25.4% की वैल्यू दे रखी है आपको, इतनी
10176 आपको निकालनी है 100% की। देखो ये 25 है मतलब 25 है, ये लगभग इसका 4 टाइम्स है। कैसे? देखो अगर मैं इसको 4 से करता हूँ तो लास्ट में भी 6 आता है, तो सीधा सीधा ऑप्शन चेक करो कोई आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है सीधा 4 टाइम्स, तो बस यही आंसर आएगा। ना मेरे को जीरो देखना, ना मेरे को कुछ देखना, मैं सीधा आंसर मारूंगा, समझ गए? और कितनी देर लगेगी आप देख लो कि वर्बल क्यों बोला जाता है, अब आपको धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि क्यों बोला जाता है वर्बल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि लिखने में और करने में आराम से 30 सेकंड चले जाएंगे। देखो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दिया जाता है, एसएससी इसी तरीके से देता है, मतलब कि वो क्या करेगा आपको ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में देगा, क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि आपको ब्रैकेट्स भी पता है या नहीं। तो मैं देखो लिखे वो को कैसे लिखूंगा, मैं 2 ब्रैकेट 4x अपॉन 5 माइनस 3 बाय 4। देखो अब ये ब्रैकेट खत्म, तो इसके नीचे 3 है, माइनस 5/3 इक्वल्स टू -1/6। जिसने ये लिख दिया ना उसका आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब सॉल्व करना तो कुछ नहीं रह गया, इसको इधर भेज दो। तो ये कितना 1/-1/6 और यहाँ पे आपका 5/3, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 और -1+10 मतलब आपका आ गया 9/6 मतलब 3/2। ठीक है, अब ये 3/2 हो गया और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो देखो इधर क्या है 2 4x अपॉन 5 माइनस 3 बाय 4, और 3 उधर चला जाएगा, इधर 3/2 है तो फिर से 9/2 आ गया, और अगर ये 2 इधर है तो इधर से इधर चला जाएगा, तो ये 9/4 आ गया। अब कुछ नहीं है, अब ये माइनस का 3/4 है, इधर चला, इसको भी काट के लिख रहा हूँ सीधा, इधर 3/4 तो 12/4 हो गया, मतलब 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब ये 5 है और ये उधर जाएगा आपका, तो 15 और ये 4 नीचे, तो सीधा सीधा 15/4 आंसर। देखो मैं आपको ये राय दूंगा, आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप लिखें खुद से और फिर खुद से सॉल्व करें, ये कुछ नहीं है, बोर्ड मास वाला सिस्टम रहता है और बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। अगर आप इसको भी नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब आपको बहुत सारी मेहनत करनी है और सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स से शुरू करना है, मतलब बहुत ही सिंपल आपको ब्रैकेट वाली चीज़ें सीखनी है। ठीक है, क्लियर सी बात है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपको समझना है कि मेरा लेवल क्या है, फिर उसी हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 12th क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ए क्यूब, पहली चीज तो मैं बता दूं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 35 है, और ए भी देखो ये ना सबसे मुश्किल काम यही है कि क्वेश्चन वहां से उठा के यहाँ डालना। अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो मुझे ना मेरे टेलीग्राम पे एक बार मुझे बताना, वॉलंटियर का मतलब कि आप अगर पीपीटी वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड हो तो बताना मुझे, क्योंकि ये बहुत एक्टिव हो जाता है ये सारी चीज़ें, और अगर आप में से कोई मतलब कुछ नहीं तो रोज़ एक पीपीटी बना देगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, देख लेना, चलो छोड़ो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बोलो। अब देखो ए प्लस बी निकालना है आपको, ए प्लस बी, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठा ना तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब आराम से आपको अगर आपकी अच्छी खासी स्पीड है तब भी आपके 1 मिनट तो जाएगा जाएगा, लेकिन मैं अगर चेक करूं, देखो ए का क्यूब बी का, देखो एक इसमें जीरो तो हो नहीं सकता कोई भी चीज़, तो सबसे पहले मैं एक इसको अगर एक लेता हूं एक, और किसी का क्यूब 34 मुझे लगता नहीं आता है, तो सीधी सीधी बात है आपको पता ही है, और यहाँ पे कोई रूट में तो वैल्यू दे नहीं रखी, तो ये दोनों इंटीजर होंगे, ए भी इंटीजर होगा बी भी इंटीजर होगा, तो सिंपल सी बात है। अब दूसरा चेक करो, अगर मैंने बी को मान लो 2 ले लिया तो 8, और बचा हुआ 3 ले लिया मतलब 2 का क्यूब ठीक है ना 8, और अगर बचा हुआ 3 का क्यूब ले लिया 27, तो वैलिड हो गया, ये चीज़ बैठ गई, और यहाँ पे भी बैठ गई कि 3 × 2 = 6, तो सीधा सीधा ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, या फिर बी की वैल्यू 3 ए की वैल्यू बात एक ही रहेगी, और आपसे पूछा है ए प्लस बी तो आंसर 5 आ गया, 3 + 2 पूछा था 5, तो ये चीज़ें आपको पकड़नी है, अगर आप ट्रेडिशनल करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा और प्री लेवल का फिर वो टाइम वेस्ट करने वाला रहेगा नहीं, तो आप ये सोच के माना करो कि ज्यादा लंबा वो पूछते नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है अगला, ये बोल रहा है सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड प्राइस ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। मान लो एक फ्रैक्शन है एक्स, जरूरी नहीं है आप 1/x ही मान लो, और इसका इसने बोला कि सम मतलब ये प्लस 3 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 73/20 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, अब इसको सॉल्व करने को बोल रहा है। अब हर चीज़ मैं इतना तो चाहूँ नहीं कि मैं या तो इसको अप्लाई करके देख लूँ तब भी बात बन जाएगी कि एक एक करके
देख लेता हूँ यहाँ पे मेरा 20 आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा यहाँ पे भी मतलब 5x4 या 4x5 में से कोई चेक करके कर सकता हूँ। लेकिन आप इसको अच्छे से, इतना टाइम लगाओगे, सब बढ़िया सीधा करो, एक्स स्क्वायर मतलब इसको सॉल्व करो, ये एलसीएम ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/x = 73/20, और यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी 20x² + 60 = 73x। मेरी जो इक्वेशन निकल कर आई वो ये निकल कर आई 20x² - 73x + 60 = 0। अब जैसे ही आपने किया, अगर आप अच्छे खासी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप देखो कि मेरे को इस तरीके से करना है कि 20 × 60 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1200 आ जाएगा। 1200 को इस तरीके से ब्रेक करना है, या फिर आप 20 × 60 ही लिखो सीधा, इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस में मेरा 73 है। तो 20 × 60 अगर मैं करता हूँ, तो देखो आप एक चीज़ समझो कि ये क्या है, 20 कितना है 2² × 5, और ये कितना है 12×5 = 60 होता है ना, 12×5 = 60, तो ये आपका 12×5। तो आप एक चीज़ देखो, 5×5 = 25 और 12×4 = 48 अगर मैं करता हूँ, मैं अलग अलग चीज़ें पैटर्न बना के चेक करता हूँ ना, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा 73 आ जाएगा। तो बस जैसे ही आपने इसको ब्रेक करा, एक आ गया आपका 25 और एक आ गया 48, और इस वाले वेरिएबल से डिवाइड किया जाता है। तो 20 और 20, इसमें ए की वैल्यू पूछिए, तो अगर आप इसको काटोगे तो ये 5/4, मेरा आंसर 5/4 आ जाएगा। और अगर दो आंसर दे रखे होते तो मेरा ये भी आंसर रहता, ऐसी बात नहीं है, ये भी मेरा करेक्ट आंसर है। इसमें क्या आएगा आपका आंसर, इसको अगर काटोगे तो ये 12 और ये 4 से काट रहे ना, 4 12 12 और ये 4 5 12/5 भी आंसर था, ठीक है। इसमें दो आंसर आने चाहिए थे, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इस वाले, इस तरीके की चीज़ें को आप इस तरीके से करा करो, क्योंकि मेंस में वो दोनों ऑप्शन देता और घुमाता, कोशिश करता आपको कि इसको भी, इसमें आपका टाइम वेस्ट करें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आराम से आपका एक मिनट जाएगा। इसने बोला कि सम ऑफ 11th टर्म क्या होगा, और गिवन क्या है कि आपका 4th टर्म, देखो एक चीज़ याद रखनी है जब क्वेश्चन पढ़ना है ना, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 11th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ फोर्थ टर्म इज 11, सम ऑफ फोर्थ टर्म नहीं है, सिर्फ फोर्थ टर्म, मतलब ए 4 11 है और ए 7 आपका -4 है। देखो ये आपको दे रखा है, इसमें मैं आपको बताऊँ, ट्रेडिशनल ही होता है वो तरीका जिसमें आप बोलते हो कि जो भी गिवन होती है उन दोनों को माइनस कर दो और जितना डिफरेंस होता है इससे डिवाइड। क्यों? अगर देखो ए 4 को मैं ए प्लस 3d लिख सकता हूँ, आप ap में क्या करते हो, ए प्लस n-1 × d = nth टर्म होती है ना, तो अगर मैं ए 4 निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे 4 1 + 4 - 1 = 3, तो ए प्लस 3d। ऐसे ही आप अगर ए 7 लिखोगे तो ए प्लस 6d। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 11, इसकी वैल्यू दे रखी है -4, तो मैं ए को हटाना चाहता हूँ, तो ए यहाँ से हट गया, ये कट गया सीधा, तो ये कितना आ गया आपका 3d बराबर, और यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे तो 15, तो d बराबर आपका आ गया 5, ठीक है, d आपका 5 आ गया, कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, ए प्लस, हाँ ये माइनस का 3 आएगा यहाँ पे, -3d और d आपका -5 आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो, अब मेरे को ए भी निकालना है क्योंकि मेरे को S11 निकालना है, तो S11 देखो सम का भी सम फॉर्मूला बता दूं, दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 a + last term या फिर n/2 और यहाँ पे 2a + n-1 × d, ये दोनों एक तरह से बराबर है, लेकिन अगर लास्ट टर्म दे रखी हो तो सीधा ये अप्लाई करना चाहिए। अब देखो d आपने निकाल लिया, अब a निकालोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो a मैं पहले वाले में कर रहा हूँ, a-15 = 11 और आपका a आपका 26 आ गया, ठीक है ना, तो बस अब इसी में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी वरना, इसमें पुट करो सीधा, सम 11 कैसे आएगा, n/2 मतलब 11/2 और 2a मतलब 26 × 2 = 52 और प्लस 10 × -5 और यहाँ पे 50 हो जाएगा ये 2, तो 2 से 2 कट गया पूरा, तो 11 आंसर। और एक स्मार्ट तरीका बता देता हूँ, बहुत स्मार्ट तरीका है, कि आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो सम होता है ना, सम जो होता है, सम होता है वो n/2 का मल्टीपल होता है, चाहे आप इस वाले फॉर्मूले में देख लो, इस वाले में, और आपको 11/2 पूछा है, तो 11 तो प्राइम नंबर है, ठीक है, तो वो नीचे, तो अगर कुछ 11 आएगा ब्रैकेट में नीचे तभी कटेगा ना, तो आप 11 का मल्टीपल देखो, कितने मल्टीपल है यहाँ पे, देखो आपका यहाँ पे
एक दो यहाँ पे दो, तो आप यहाँ से दो ऑप्शन तक पूछ सकते हो, लेकिन फिर आपको वही अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अगर दो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर एक ही ऑप्शन दे रखा होता तो बात अलग थी, तो आपका आंसर वैसे 11 आया। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी बतानी थी कि ये तरीका, लेकिन इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं है ना, तो वो यहाँ पे कारगर नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या आया था पिछले पेपर से। पिछले पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट से नहीं था, मतलब 5 तारीख की दोनों शिफ्टों में से एक भी क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट का नहीं था। लेकिन अब आपका इसमें कोऑर्डिनेट के दो तीन चार क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेट आपको बढ़ाई। कोऑर्डिनेट मैंने आपको 13 क्लासेस दी हैं, 13 क्लासेस, और आपकी दो दो क्लास तो पुरानी, मतलब सारी अपलोड करता जा रहा हूँ मैं, और पहले भी अपलोडेड थी लेकिन अब नया चैनल बनाया तो वहाँ से हटा के यहाँ पर डाल दी जा रही है, और आपको सारी क्लासेस कोऑर्डिनेट की भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट भी इग्नोर ना करें, बहुत अच्छे से करें, वो बात अलग है कि बहुत सिंपल लेवल आया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपसे पूछ के नहीं बनाएंगे पेपर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -1.3 इन द लाइन x=4। देखो मैंने आपको रिफ्लेक्शन इतने 500 तरीके से बता रखा है कि उसमें पॉलीगन वॉलीगन तक चीज़ें बता रखी है कि हर चीज़ का कैसे रिफ्लेक्शन है। खैर अब देखो इसने बोला x=-4, तो x=-4 प्लॉट करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आएगा, ये आपकी लाइन है मान लो, ये आपकी ये वाली -4, x=-4 आपने प्लॉट कर दी। मैंने आपको प्लॉटिंग भी सिखा रखी है किस तरीके से, तो आप पहले चेक कर लेना। अब देखो x=-4 आपने प्लॉट कर दी, मतलब कि ये एक तरह से मिरर है। अब बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन निकालो किसकी, -1 और 3, तो -1 और 3 लगभग, देखो -1 यहाँ पे, अब -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, तो -1 यहाँ पे और 3 आपका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ -1 और 3। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 3 होना चाहिए क्योंकि प्लेन मिरर की तरह काम करता है, तो जितना यहाँ पर डिस्टेंस हुआ तो ये कितना आ गया, 4 था, 4 में 3 ऐड करोगे 7, तो -7, तो इसका मतलब -7 तो आएगा ही आएगा, दो ऑप्शन है, मतलब 3 कट गया 4 कट गया, और जो आपका ये पॉइंट है इतना ही तो आएगा, तो यहाँ पे वाई कितना था, वाई आपका 3 था, तो -4 7 और 3, मतलब बी आंसर है, ख़त्म, कुछ भी नहीं था। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन नया था, इस चक्कर में वहाँ पे उस टाइम पे बच्चे थोड़े हैरान हो गए थे क्या पूछ रहे हैं, और ये तो पेपर ही बदल दिया, और SSC तो बहुत तेज़ हो गई है, चैंप हो गई है, फलान ढिकान पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अब आगे इसके बाद एक क्वेश्चन मिस हो गया, मैं लिख देता हूँ वो क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, देखिए मिस नहीं हुआ था क्वेश्चन, मुझे डाउट हो गया था। देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABCR 1, -4, what are the coordinate of the vertex C? If coordinates of A and B are this and this respectively. अब देखिए जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया था तो कुछ चीज़ें बताई थी, वैसे बेसिक चीज़ें हैं ये, क्या होता है देखो कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के, देखो पहली बात तो सेंट्रॉइड बताना चाहिए। अगर मैं एक ट्रायंगल में मीडियंस ड्रॉ कर रहा हूँ, मीडियंस मतलब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक और यहाँ से सीवेंट डाला ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये भी मैंने ऐसे करके डाला ये भी, तो ये जो पॉइंट होता है ना ये सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, और अगर मेरे कोऑर्डिनेट ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये आपका x3 y3 है, ठीक है, तो मेरे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट जो आएंगे एक्स और वाई जो आएंगे वो सीधे सीधे क्या आएंगे, x1 + x2 + x3 / 3, और y के y1 + y2 + y3 / 3। अब देखो आपको इसने सेंट्रॉइड दे दिया, मतलब x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1, और यहाँ पे y की वैल्यू किसने इसने कितनी दे रखी है, ये -4, और आपसे थर्ड वाले के पूछ रहा है, मतलब किसी भी एक के, तो मैं पहले यहाँ से गिवन में क्या है मेरे को x1 और x2, मतलब 3 + 0 + x / 3 अगर मैं कर देता हूँ तो 3 इधर चला जाएगा, 3 = 3 + x, तो x की वैल्यू 0, मतलब यहाँ तो 0 आएगा ही आएगा, सब जगह 0 था, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर आपने ऑप्शन देख रखा था तो आप सीधा y देखते और आंसर कर देते, तो मैं सीधा y देख लेता हूँ। अगर ये आपका 4 है और यहाँ पे y1 आपका -4 है और y2 आपका 5 है और y3 निकालना है और ये 3 है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करो तो -12, और यहाँ पे आपका आपका -4 ये 1 आ जाएगा, 1
और प्लस वाई थ्री, तो ये माइनस इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मतलब माइनस 13 की वैल्यू हो गई वाई थ्री। तो ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर था। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, लेकिन एकदम से कोऑर्डिनेट के आ गए थे तो थोड़ा सा बच्चे थोड़े से डर गए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये भी। इसने बोला है ax plus 5y equals to 8 has a slope of, मतलब स्लोप दे रखा है, या फिर अगर मैं m बोलूं वो दे रखा है माइनस 4/3। आपसे a की वैल्यू पूछी और इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है। मैंने आपको बताया कि y equals to mx plus c होता है, ये आपकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपल, जिसके अंदर आपका जो m होता है वो स्लोप होता है। अगर ये ax plus 5y equals to 8, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, मतलब 5y as it is रहने दो, और यहाँ पे अगर इसको इधर भेजोगे आपका ax को, तो माइनस ax लिख दो चाहे, और यहाँ पे प्लस का 8 रहेगा ही। अब ये 5 को भी इधर भेज दो, तो y equals to, मतलब मेरे को y इक्वल करना है, और ये माइनस a by 5 into x, और यहाँ पे 8 by 5। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज निकल के आई कि जो मेरा a by 5 है ना, वो मेरा स्लोप है, a by 5 माइनस a by 5, और एक्चुअल में स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 4/3, ये दे रखी है ना आपकी माइनस 4/3, तो माइनस से माइनस कट गया, ये उधर चला जाएगा, तो 20/3 आंसर आना था, ए की वैल्यू पूछी थी तो ए आंसर आना था, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है ना, ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है। और इसने बोला कि डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब आपने एक लाइन ड्रॉ करी डी ई पैरेलल है बी सी की। तो आपको पता है जब मैंने बीपीटी बताई थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उस टाइम पे मैंने बताया था कि अगर लाइन पैरेलल आ रही है, जैसे आपने ये पैरेलल प्रूफ कर दी, तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस रेशियो सेम रहता है, या फिर अगर आप कह सकते हो कि ये आपका अगर पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए डी ई इज सिमिलर टू, क्योंकि आपके दो एंगल अगर इक्वल आ गए तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, अगर दो एंगल ये इक्वल है और एक तो कॉमन ही है तो वो तो कॉमन रहेगा, और अगर आप कह देते हो ए बी सी के, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन गिवन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ए डी बाई डी बी, मतलब अगर ये टू है तो ये फाइव, तो ऑब्वियसली बात है ये टू और ये फाइव क्योंकि पैरेलल है, तो और यूनिट मतलब ये रेशियो है, ठीक है ना, 2:5 और 2:5 आपको दे रखा है। अब इसने क्या बोला है, उसी हिसाब से मेरे को सॉल्व करना है। देखो एक चीज समझ लो कि अगर ये टू है और ये फाइव है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि ये टू और पूरा सेवन, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये टू और पूरा नीचे का सेवन, ठीक है। आप एक चीज समझो, यहाँ पे ट्रेपेजियम वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा सेवन है और ये मेरा टू है, और मेरे को एरिया की टर्म में पूछा हुआ है, तो अगर मुझे पूरा ट्रायंगल का एरिया बोलता ना, ट्रायंगल का इस पूरे का, तो मैं बोल देता सेवन का स्क्वायर, मतलब 49, मतलब 49 यूनिट आंसर आता। लेकिन आपको 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 98, और आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा क्वाड्रिलेटरल की। तो अगर ये पूरा सेवन का स्क्वायर, मतलब ये पूरा 49 है, ये पूरा का पूरा अगर मैं बोल रहा हूँ, मतलब पूरा ए बी सी 49 है, और ये छोटा सा टू का स्क्वायर, मतलब टू का स्क्वायर मतलब फोर है, तो बचा हुआ कितना आएगा, 49 माइनस फोर मतलब 45। तो अगर आप ये देखोगे तो ये किससे मल्टीप्लाई रहा है, टू से, तो 45 यूनिट कितना आएगा, वो भी टू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कितनी देर लगती है आपको, ठीक है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको cot 45 दे रखा है माइनस 1/√3 cos x 60। ये सिंपल दे रखा है इसलिए मैंने इसकी हिंदी भी नहीं करी, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आपको इसकी वैल्यू दे रखी है। तो cot 45 कितना होता है, 1 माइनस 1/√3, और cos x 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। देखो ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, और आपको पूरा पता होना चाहिए किसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये √3, तो मतलब 1-2/3, या फिर 3-2/3, 1/3 आंसर आना था, ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, इस पेपर में एक नई चीज़ ये थी कि इसमें डी आई नहीं पूछा हुआ था, मतलब आपसे डी आई नहीं पूछा हुआ था, डी आई
डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन ही नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसने बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसने बोला है राइट एंगल एट ई, मतलब डी ई एफ है और राइट एंगल एट ई है, और इसने बोला एफ 45 है, अगर ये 45 है ठीक है। अब इसने बोला कि वैल्यू निकालो 2 साइन एफ की इंटू कॉट एफ की, मतलब अगर ये थीटा है, देखो बेसिक अगर आपको ट्रिको आती है, अगर ये थीटा है तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर थीटा के, थीटा जिस पे टिका हुआ होता है वो बेस होता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप यहाँ पे पी और यहाँ पे अगर बोलते हो और 45 है, मतलब एफ की वैल्यू बोल रहे हो, तो साइन 45 लिख दूं, सीधा लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप कर सकते थे कॉट 45। तो ये 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू रूट 2 होती है और कॉट 45 1 2 पर, अच्छा ये इससे कट जाएगा तो रूट 2 बचेगा, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है रूट 2 इंटू रूट 2 ना, तो आंसर रूट 2 आना था, ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। आगे चलते हैं, अब आपको कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा दे रखा है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे वर्बल क्वेश्चन है, 21/20 मतलब बी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है। देखो अगर बेस दे रखा है, अगर ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज तो निकाल सकते हो ना पाइथागोरस से, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ठीक है, तो बस रूट में 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो रूट 841 हो जाएगा, मतलब ये 441 और ये 400, 841 का मतलब क्या होता है 29। तो बस जैसे ही आपने हाइपोटेन्यूज 29 निकाला, आप पूछा गया कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, 29 और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 20, तो ये कोई है इसमें ऑप्शन, हाँ है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपने मेरे आइसोसेलेस वाले लेक्चर देखे हुए हैं तो आप इतने आराम से कर दोगे, अदरवाइज पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले याद करके रखोगे। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसने बोला कि आइसोसेलेस में क्या होता है दो इक्वल साइड होती है ना, इसने बोला इक्वल साइड 20-20 है और थर्ड साइड 30 है, मतलब ये 30। तो आपको मैंने आइसोसेलेस में एक चीज बताई थी कि आइसोसेलेस में ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है, ये जो सीवियन होता है, ये एल्टीट्यूड भी होता है, मीडियन भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, और आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मीडियन हो गया, ये सारी चीजें होती है। एक चीज और रह गई आपकी, बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है ठीक है, ये चारों चीजें होती है। तो जैसे ही आपने देखा और ये तो आपने देख लिया भाई, ये तो 90 भी है और ये 15-15 में तोड़ेगा भी क्योंकि मीडियम भी है, और आपको एरिया पूछ रखा है क्योंकि इसने क्या दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल 20 ईच, थर्ड साइड इज 30, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब आपको ये 20 दे रखा है, ये आपको 15 दे रखा है, तो बचा हुआ ये कितना आएगा, मतलब अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400, 15 का स्क्वायर 225, तो रूट 175 आएगा। रूट 175 को क्या लिखते हो, 25 इंटू 7 है ना, और 5 बाहर आ गया, तो मतलब 5 root 7, तो रूट 7 वाला एक ही है, सीधा सीधा मार्क करो, या फिर अगर आप प्रॉपर थोड़ा सेकंड और लगाने चलते हो तो हाफ इंटू बेस कितना है 30, और यहाँ पे कितना है 5 root 7, हाइट तो हमने निकाल दी ना 5 root 7, तो ये सीधा काट दो, या तो 15 5 75 root 7, तो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा और टाइम लगा के, लेकिन ऑप्शन देखते हुए चलना है हमने, मतलब जैसे हल्का सा सॉल्व हुआ ऑप्शन देख लिया, हल्का सा सॉल्व हुआ ऑप्शन देख लिया, ताकि मेरे को ऑप्शन के टच में रहो। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या दे रखा है, मैं कोशिश करूंगा सर्कल ढंग से बने, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। पी क्यू इज द कोड ऑफ, मैं बोलूंगा इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, लेकिन एक सेकंड का है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, अभी बताता हूँ कैसे। देखो पी क्यू इज द कोड ऑफ सर्कल, ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, उसमें टाइम लगता है, उसके बाद डायग्राम राइग्राम वो सब छोड़ दो, लेकिन स्ट्राइक आपको एक सेकंड में करना चाहिए। एक सेकंड का मतलब ये होता है भावनाओं को समझ लेना, ठीक है।
देखो ऐसे अगर 1 सेकंड में करने लग जाओगे तो 25 सेकंड में तो प्री खत्म हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब देखो पी क्यू इज द कोड ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ। अगर एक सर्कल बनाया, बन गया, इसने बोला कि पी क्यू आपका एक कोड है, मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया भैया, पी क्यू है ये, पी और क्यू। अब देखो आर ओ एस इज द लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आर, आर से एक लाइन बन रही है और ओ से होके जा रही है क्योंकि सेंटर ओ है, ठीक है, आर से होके जाएगी, अभी देखते हैं कहाँ तक। ऑन द सर्कल दैट इंटरसेक्ट पी क्यू, पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है बट रिड्यूस दैट एस, मतलब पी क्यू को अगर आप बढ़ा देते हो ना, रिड्यूस कर देते हो, तो अगर मैं इस तरीके से इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एस पे और यहाँ पे आपका आर आता है, ये दे रखा है इसने। अब बोल रहा है कि क्यू एस, मतलब अगर ये वाली लेंथ और ओ आर के बराबर है, ये वाली लेंथ अगर ओ आर के बराबर है और क्यू एस आर, मतलब इतना एंगल, ये जो एंगल है ये 30 दे रखा है, 30 दे रखा है, तो आपको निकालना है पी ओ आर। तो मैं मिला दूं इसको, ये मेरे को ये निकालना है। ये देखो अगर आप अच्छे से जानते हो और आप थोड़ी चीजें पढ़ते हो तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए था कि 3 टाइम्स आता है, ठीक है, वो आपको प्रूफ भी करा देंगे जब हम सर्कल पढ़ाएंगे, और बहुत सिंपल है, आप खुद भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन अभी कैसे करना है क्वेश्चन, देखो मैंने अगर इसको ज्वाइन करा सेंटर से तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो जाएगी और ये इसके इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गए आपस में, मतलब ये वाली साइड अगर मैं बोलूं कि ओ क्यू बराबर हो गया क्यू एस के, क्यों, क्योंकि देखो ना आपको दे रखा था कि ओ आर बराबर क्यू एस तो था ही, और ओ आर बराबर आपका ओ क्यू भी था, क्यों, क्योंकि रेडियस थी, तो ये तीनों बराबर, अगर ये 30 तो ये भी 30, और अगर ये 30 है, ये 30 है, तो बट ये एक्सटीरियर एंगल से ये वाला ओ क्यू पी कितना आ गया, 60, ये तो आएगा 60। तो अगर ये 60 आ गया और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखता हूँ तो ये भी 60, क्योंकि ओपी भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये भी इक्वल साइड सबस्टेंट इक्वल एंगल, अगर ये 60 तो ये भी 60। अब जैसे ही आपने ये 60 60 देखा और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये भी 60, तो लीनियर पेड़ से आप लगा दो सीधा 90 बचेगा, क्योंकि अगर मैं लाइन बोल रहा हूँ आर ओ एस तो लाइन है ना, तो एक अगर ये 60 है, ये 30 है, तो 90। या फिर आप इसमें एक चीज़ और कर सकते थे, आप एक्सटीरियर भी लगा सकते थे, लेकिन आपको जो स्ट्राइक करे आप वैसे कीजिए, ठीक है, सीधा सीधा 90 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इसको आप जनरलाइज भी करिए, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे मैं इसको 3 थीटा सीधा निकाल सकता, 3 थीटा मैं कैसे ऑब्जर्व कर सकता था सीधा, बताना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें, देखो अगर आप अच्छे से ट्रिकों को जानते हो कि टेन सिक्स और टेन 84 कट जाएगा और 10 36 और 10 54 कट जाएगा, कैसे, समझ लो कैसे, और 10 45 आपका वन होता है, वन आंसर आना था, इसलिए मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया इसमें, लेकिन आप समझ लो, जो लोग बिगनर है उनको भी समझ में आना चाहिए कि अगर एक चीज देखो 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, और 10 थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा के। तो मैं अगर शुरू के दो, सिर्फ शुरू के दो लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 10 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस 84, और मैं 10 34 36 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस 54, और बाकी सेम टू सेम, बाकी सेम टू सेम, 10 84 10 54 और 10 45 की जगह कुछ लिखो ही मत, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो आप इसकी जगह 10 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, मतलब कॉट 84, और यहाँ पे भी कॉट 54, और ये बाकी 10 84 और 10 54 ऐसे। अब देखो इसका रेसिप्रोकल, इसको इससे काट दो और इसको इससे काट दो, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल है, आपस में कट जाएंगे, तो 1 आ गया आंसर, खत्म। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखो पहली बात तो क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है और वाई माइनस प्लस थ्री का होल स्क्वायर है प्लस जेड माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो इस टॉपिक पे 5 तारीख को भी क्वेश्चन आया हुआ था, शिफ्ट में जो मैंने पिछली आपको क्लास दी है उसमें भी आया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी का स्क्वायर होता है और आपस में ऐड होते हैं तो इसका मतलब वो इंडिविजुअली 0 है, मैंने आपको बताया भी था क्यों, तो आप उसको देखना कि
कैसे बताया था कि जीरो क्यों होते हैं, तो जीरो जीरो सब जीरो जीरो है, तो यहाँ से अगर x माइनस टू का होल स्क्वायर जीरो है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, टू, y की वैल्यू इस तरीके से माइनस थ्री और z की वैल्यू 15, यहाँ पर z की वैल्यू 15। अब आपसे क्या पूछ रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 15, तो x की जगह मैं लिख देता हूँ 2, y की जगह माइनस 3 और z की जगह 15 माइनस 5, सीधा सीधा 9 आ गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये आपका पेपर था, ये आपका 6 अगस्त का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, बहुत ईजी था। लेकिन आप अगर ईजी समझ के भी पेपर करते हो और आपके एक दो सिली मिस्टेक हो जाती हैं तो भी आपकी गलती है, आपको थोड़ा सा संभल के करना है। आपको इतना भी जोश में नहीं आ जाना कि आपके मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, और मैं आपको बोलूँगा फिर से, प्लीज़ आप लोग अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको, इतनी हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, फेसबुक ग्रुप पे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और उससे जुड़ने से बहुत सारे बेनिफिट हैं क्योंकि आपकी क्विज़ वगैरह होती रहती है और प्री लेवल की क्विज़ भी चल रही है MWF में। जैसे ये आप प्रैक्टिस तो यहाँ से आपका हो ही रहा है, तो आप अप्लाई कहाँ पे करोगे, तो अप्लाई आप क्विज़ में कर सकते हो। ठीक है, और ये मेरी ईमेल आईडी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई बातचीत करनी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं, और टेलीग्राम में मुझे @abbas_saini यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी आप बात कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास ओवर होती है, थैंक यू सो मच।